क्या लगा कहानी खत्म हो गई? तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी मूवीज के बारे में जिसके पहले वाले दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया था, जिसके सफलता के बाद अब जल्दी इसका तीसरा पार्ट भी लाया जाने वाला है, जो कि अपने पहले वाले दोनों पार्टों से काफी बड़े लेवल पे बनाया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस लिस्ट में बाहुबली, KGF, गदर एंड हेरा फेरी जैसी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज की फिल्में शामिल है। लेकिन ये सभी फिल्में किस दिन रिलीज होगी ये जानने से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मूवीज जुड़े अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। तो इस लिस्ट की सबसे पहली फिल्म है डॉन 3। इसका पहला पार्ट आया था साल 2006 में और दूसरा आया था 2011 में, और यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, जिसमें लीड रोल प्ले किए थे शाहरुख खान। लेकिन अब की बार यानी डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह दिखाई देंगे लीड रोल प्ले करते हुए, और इसमें रणवीर सिंह के साथ कृति सेनन की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। वह इस मूवी को डायरेक्शन देंगे फरहान अख्तर, और एक्शन थ्रिलर से भरपूर यह फिल्म रिलीज होगी 2025 के आखिरी महीनों तक। दूसरे नंबर पर है सनी देओल की एक्शन ड्रामा फिल्म गदर 3। इस मूवी का पहला पार्ट आया था साल 2001 में और दूसरा अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, जो कि अभी भी बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहा है, जिसके सफलता को देखते हुए मेकर्स अब जल्दी इसके तीसरे पार्ट को लाने की तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन गदर 2 की तरह ही आपको गदर 3 का ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, और यह फिल्म आपको 2025 या 2026 में ही देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक बार फिर से लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल एंड निमरत कौर, और इस मूवी को डायरेक्शन देंगे अनिल शर्मा, जिन्होंने इसके पहले वाले पार्ट को भी डायरेक्ट किए थे। तुझे तारा सिंह को पहचान दे नहीं, दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। नंबर 3 पर है सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म टाइगर 3। इस मूवी का पहला पार्ट आया था साल 2012 में और दूसरा 2017 में लाया गया था, और यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया था, जिसके बाद अब जल्दी इसका तीसरा पार्ट भी लाया जाएगा, जिसमें अब की बार आपको हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाला है, और इसमें लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे सलमान खान, कैटरीना कैफ एंड इमरान हाशमी। साथ ही इसमें शाहरुख खान भी दिखाई देंगे पठान वाले रोल में धमाकेदार कैमियो करते हुए। वहीं इस मूवी को डायरेक्शन दिए हैं मनीष शर्मा, और यह फिल्म रिलीज होगी इसी साल दिवाली के मौके पर, यानी 10 नवंबर को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषाओं के साथ। नंबर 4 पर है अक्षय कुमार की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइज हेरा फेरी का तीसरा पार्ट यानी हेरा फेरी 3। इस मूवी का पहला पार्ट आया था साल 2000 में और दूसरा आया था 2006 में, और यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे शानदार कमाई करने के साथ साथ सबका ऑल टाइम फेवरेट मूवी भी बन गया है, जिसके बाद से ही फैंस इसके तीसरे पार्ट को लेकर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अब मेकर्स भी हेरा फेरी 3 बनाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं, जिसकी शूटिंग इसी सितंबर के महीने से शुरू होने वाली है, जिसमें एक बार फिर शेली रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार एंड परेश रावल। वहीं इस मूवी को डायरेक्शन देंगे फरहाद सामजी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह फिल्म ज्यादा नहीं 2024 में ही देखने को मिल जाएगी। ये बाबूराव गणपतराव आपटे का प्रॉमिस है रे, ओ उधर हेरा फेरी तीसरी बार। 5वें नंबर पर है रॉकिंग स्टार की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म KGF चैप्टर 3। इस मूवी का पहला पार्ट आया था साल 2018 में और दूसरा पिछले साल ही सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था, जो कि बॉक्स ऑफिस पे लगभग 1200 करोड़ रुपए का धमाकेदार बिजनेस किया था, जिसके सफलता के बाद अब जल्दी इसका तीसरा पार्ट यानी KGF 3 भी लाया जाएगा, जिसमें एक बार फिर शेली रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे रॉकिंग स्टार यश, और इस मूवी को डायरेक्शन देंगे प्रशांत नील, जिन्होंने इसके पहले वाले दोनों पार्ट का निर्देशन किए थे। और प्रशांत नील फिलहाल प्रभास की फिल्म सलार को लेकर काफी बिजी है, जिसे कंप्लीट होते ही जूनियर NTR की फिल्म NTR 31 के ऊपर काम शुरू कर देंगे, और इस मूवी के पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ही KGF 3 की तैयारी शुरू करेंगे, यानी यह फिल्म 2026 या 2027 में ही रिलीज किया जा सकता है। वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट। नंबर 6 पर है अजय देवगन की एक्शन ड्रामा मूवी सिंघम 3। इस मूवी का पहला पार्ट आया था साल 2011 में और दूसरा 2014 में लाया गया था, और यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, और अब जल्दी रोहित शेट्टी इसका तीसरा पार्ट यानी सिंघम 3 भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें एक बार फिर शेली रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे अजय देवगन एंड करीना कपूर। साथ ही अब की बार इसमें दीपिका पादुकोण की भी एंट्री हो गई है, जो कि एक लेडीज सिंघम का रोल प्ले करते हुए दिखने वाली है, और ऊपर से इसमें रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार भी दिखाई देंगे कैमियो रोल करते हुए। वहीं जानकारी के अनुसार बहुत जल्दी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और रिलीज होगी 2024 में 15 अगस्त के मौके पर।
सातवें नंबर पर है अक्षय कुमार की एक्शन कॉमेडी मूवी वेलकम थ्री। इस मूवी का पहला पार्ट आया था साल 2007 में, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुआ था, और दूसरा पार्ट 2015 में लाया गया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इसके बावजूद भी अब जल्दी इसका तीसरा पार्ट भी लाया जाने वाला है, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी, परेश रावल, बॉबी दुवल, दिशा पटानी और जैकलिन फर्नांडिस। यानी यह एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म होगी, जिसे अच्छे खासे बजट पे बनाया जाएगा और रिलीज होगा अगले साल 2024 में क्रिसमस के मौके पर। अगली फिल्म होने वाली है कॉमेडी ड्रामा फिल्म फुकरे 3। इस मूवी का पहला पार्ट आया था साल 2013 में और दूसरा 2017 में आया था, और यह दोनों ही फिल्में ऑडियंस का काफी मनोरंजन किया था और साथ ही बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कमाई भी किया था, जिसके सफलता को देखते हुए मेकर्स अब जल्दी इसका तीसरा पार्ट भी लेकर आने वाली हैं, जिसके लीड रोल में एक बार फिर से वही पुरानी स्टार कास्ट दिखने वाली है सिवाय अली फजल के, क्योंकि किसी कारण अली फजल इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। वहीं इस मूवी को डायरेक्शन दिए हैं मुरुगदीप सिंह, जिन्होंने इसके पहले वाले दोनों पार्ट को डायरेक्ट किए थे, और यह फिल्म पहले 7 सितंबर को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन ठीक इसी दिन शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज होने वाली है, जिस कारण अब यह फिल्म रिलीज होगी इसी साल 1 दिसंबर को। हो गया? नहीं मैडम, अभी नहीं हुआ। नेक्स्ट मूवी होने वाली है हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3। इस मूवी का पहला पार्ट आया था साल 2007 में, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल प्ले किए थे, और दूसरा पार्ट पिछले साल ही सिनेमा घरों में रिलीज हुआ था, जिसमें अब की बार अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन नजर आए थे, और यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट साबित हुआ था, जिसके बाद मेकर्स अब इसके तीसरे पार्ट को लाने की तैयारी भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक बार फिर से लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे कार्तिक आर्यन, और इस मूवी को डायरेक्शन देने वाली है अनीस बज्मी, जो कि इसके पहले वाले पार्ट यानी भूल भुलैया 2 को भी डायरेक्ट किए थे। वहीं अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म रिलीज होने वाली है अगले साल 2024 में दिवाली के मौके पर। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। एंड इसी के साथ 10वें नंबर पर है प्रभास की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म बाहुबली 3। इस मूवी का पहला पार्ट रिलीज हुआ था साल 2015 में और दूसरा 2017 में आया था, जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया था। तभी से हर कोई इसके तीसरे पार्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन यह फिल्म सच में बनेगी या नहीं, ये तो सिर्फ मेकर्स के ही हाथों में है। और अभी से लगभग 1-1.5 साल पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे सराजामौली का कहना था कि अभी भी बाहुबली की कहानी में इतनी गैप है कि इसमें एक और नई कहानी बुनी जा सकती है, लेकिन उसके बाद से ही दोबारा अभी तक बाहुबली 3 को लेकर कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, ये रहे 10 ऐसी फिल्में जिसके पहले वाले दोनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पे ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है, और अब जल्दी इसका तीसरा पार्ट भी बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने के लिए आने वाला है। वैसे आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मूवी से जुड़ी अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई मूवी के साथ।